अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको विंटर के लिए एक स्किन वाइटनिंग क्रीम, आप समझ लें इसको, मैं बता रही हूँ, जिसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका रिजल्ट मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और अपनी प्रॉब्लम है वो मुझे लाजमी शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा कर ग्रे कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो दूध की बलाई है। दूध सबके घर में अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर इसकी बलाई जो है वो जमा जब हो जाती है तो ये आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपकी सोच है। अब मैं जो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट वो यूज़ करूँगी वो है लेमन। तो ये जो रेमेडी है ये मेरी मदर भी काफ़ी टाइम से, मतलब अब काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रही हैं और उन्होंने मुझसे ये रिज़ल्ट शेयर किया था, तो मैं इसको अप्लाई की और इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी स्किन भी ऑयली है और एक्नी प्रॉन वाली स्किन है, कि अगर मैं कुछ यूज़ करूँ, सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे हो जाती हैं पिंपल्स वगैरह, लेकिन इस रेमेडी से आपको नहीं होंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है, और ऑयली स्किन है तो आप तब भी इसको लाजमी यूज़ करें। आप देख सकते हैं यहाँ 2 टेबल स्पून दूध की बलाई में मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो लेमन के ड्रॉप्स डाल दिए हैं, जिनके स्किन जो है ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो विंटर है और विंटर में ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर जिनकी स्किन जो है ऑयली है तो वो यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, और जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है तो वो इसमें ग्लिसरीन ऐड करें। मेरे पास यहाँ पर सॉफ्ट टच का शाइनर है जो ग्लिसरीन ही बेस होता है, जिसमें लेमन के एक्सट्रैक्ट मौजूद होते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास ग्लिसरीन हो तो अब वो आप सिंपल इसको भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को, मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके आप फ्रिज में रख सकते हैं 4 दिन के लिए, एटलीस्ट 4 डेज़ के लिए। और हाँ, जिनके फेस पे पिंपल्स होता है, ये मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी, तो रोज़ वाटर और थोड़ा सा जो है डिस्प्रिन की गोली जो है इसको आप क्रश कर लें, इसको रोज़ वाटर में एक पतला सा पेस्ट बनाकर जहाँ जहाँ आपके एक्नीज हो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करें। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब इंस्टेंट 1-2 दिन में आपका जो एक्नी है वो बिल्कुल रिड्यूस होके छोटा सा हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको एलोवेरा जेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।